हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू लेसन एंड दिस इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ठीक है, तो आज हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से शुरू करेंगे. नाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेट 18th सेंचुरी में हुआ था. ठीक है, लेट 18th सेंचुरी में हुआ था. अब लेट 18th सेंचुरी का मतलब क्या? फर्स्ट इस सेंचुरी 18th सेंचुरी का मतलब क्या? 18th सेंचुरी मींस बिटवीन 1700 टू 1799, इसके बीच के समय को हम 18th सेंचुरी कहेंगे. और एज इट इज रिटन हियर लेट 18th सेंचुरी, तो यहाँ पे जो भी इवेंट्स होंगे वो 1750 के बाद, आफ्टर 1750. ठीक है, और ये इसका सेंचुरी का होने का टाइम है. ईयर था 1789 व्हेन इट बिगिन. ठीक है, 1789 में शुरू हुई थी. इट मीन्स अ लेट 18th सेंचुरी. नाउ फ्रांस कहाँ पे है? फ्रांस है यूरोप में. और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस. नाउ व्हाट इज रिवॉल्यूशन? अगर हम रिवॉल्यूशन वर्ड को तोड़े, डिवाइड करें, वी आर गोइंग टू गेट रिवॉल्यूशन. एक शब्द बनेगा रिवॉल्यूशन, मतलब का मतलब होता है बदला लेना या झगड़ा करना. वो अगेंस्ट रिवॉल्यूशन का पर्पस क्या होता है? रिवॉल्यूशन का पर्पस होता है, बहुत सारे लोग गैदर होते हैं, मिलते हैं. एंड क्यों मिलते हैं? टू ब्रिंग अ पॉलिटिकल चेंज इन द सोसाइटी. सोसाइटी में कोई पॉलिटिकल चेंज लाना है तो ये रिवॉल्यूशंस होते हैं, किए जाते हैं. चलो, अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम शुरू कर रहे हैं. तो सबसे पहले अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ, किस तरह शुरू हुआ, और एक सीरीज, एक सीक्वेंस चलता है. वो सीक्वेंस मैं आपको बताऊँगी. एक This was all introduction of the lesson. आप सबके पास आपकी बुक्स हैं, जो मैं बोलती जाऊंगी वो नोट करके जाना. मेरे पास भी बुक है, आप सबके पास भी बुक होनी चाहिए. और अगर बुक नहीं है ये तो बकवास है. तो देखो, अब इतना इंट्रोडक्शन आपको शुरू करना है अपन को. फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 को अपने अस्तित्व में आया, शुरू हुआ. ठीक है, डेट 14 जुलाई 1789. हुआ क्या उस दिन? किंग ने ऑर्डर किया था आर्मी को कि आप लोग जाएं आर्मी सिटी में ऑफ पेरिस. एंड पेरिस में उस समय बहुत ज़्यादा हसल एंड बसल मची हुई थी ड्यू टू सम रीज़न, जो हम चैप्टर में देखेंगे. एक हिंट दे देती हूँ, उस समय पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस वहाँ आया था. दैट इज वे लोगों के पास खाने को नहीं था, तो लोग एक हसल एंड बसल एक गुस्से में भी थे. तो जब राजा ऑर्डर करता है आर्मी को टूपन कि आप लोग जाएँ, कहाँ पर जाएँ, सिटी ऑफ पेरिस में जाएँ एंड वहाँ पर आप कंडीशन को संभालें, तो लोगों को लगता है कि ये ज़रूर ही किंग ने इसलिए भेजा है कि ओपन फायर कर दिया जाए सिटीजन्स को. अब इस बात को सुनकर 7000 मेन विमेन ये गैदर होते हैं टाउन हॉल में. अभी टाउन हॉल क्या था? टाउन हॉल एक इनका मीटिंग प्लेस था, लाइक
लाइक हम लोग पार्टीज या सेलिब्रेशन के लिए या कोई भी डिस्कशन वगैरह करने के लिए किसी प्लेस पे जाते हैं ना, तो वैसे ये लोग टाउन हॉल में जाया करते थे डिस्कशंस करने के लिए. लेकिन वह लैंडमार्क था जो भी डिस्कशंस होते थे उन डिस्कशंस को करने के लिए. तो ये अब टाउन हॉल में जाते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि फॉर पीपल्स मिलिशिया अपनी जनसेना बनाने का निर्णय लेते हैं. पीपल्स मिलिशिया मीन्स जनसेना. ठीक है, अभी जनसेना बनने के बाद ये फॉर्मल या अप्रूव्ड जनसेना नहीं, इसको कहीं अप्रूवल नहीं मिला था, है ना. सो कहीं से अप्रूवल नहीं मिला था, दैट इज वाई इसके पास आर्म्स वगैरह नहीं. तो अब इसको आर्म्स के लिए भी झगड़ा करना पड़ता. अब ये जाते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, और जब वहाँ से कुछ नहीं मिलता तो पैरिस की ईस्टर्न पार्ट में जाते हैं. ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैरिस पे एक जेल होता है, बस्ती, बैस्टिल भी जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो बैस्टिल का जेल. ठीक है, फोर्ट्रेस प्रिजन इसका नाम बस्ती या बैस्टिल होता है. वहाँ को जाते हैं और अब जाने के बाद सबसे पहले क्योंकि खुद वहाँ पर अटैक करके होर्डेड एमिनेशन जो छुपाए गए हथियार थे भी खोज करते हैं. और फिर इसी लड़ाई झगड़े में एक कमांडर भी मारा जाता है बस्ती का. ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, जो कमांडर था बस्ती को मारा जाता है. उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होती है, कमांडर मार दिया. कमांडर के मारने के बाद ये और क्या क्या करते हैं, ये सात जो प्रिजनर्स होते हैं, कैदी होते हैं, उनको भी रिलीज कर देते हैं. यहाँ पे जो भी कैदी होता था, जो भी क्रिमिनल होता था, उसको यहाँ रखा जाता था. तो वो प्रिजनर्स को भी रिलीज कर देते हैं. प्रिजनर्स को रिलीज करने के बाद ये डिमोलिश कर देते हैं बस्टिल को. क्यों कर देते हैं, क्योंकि जो बस्टिल का किला था ये डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग उसको शो करता था, तेरा कुछ शासन जो था किंग का उसको शो करता था. दैट इज वाई लोग इसको डिमोलिश कर देते हैं. एंड इसी तरह से सीरीज ऑफ रियॉट्स को भी जाते हैं सिटी ऑफ पैरिस में एज वेल एज द कंट्री साइड. एंड इस तरह से एंड हो जाता है राजा का, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है राजा को. बहुत सारे न्यू इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, रेन ऑफ टेरर आती है, फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंस आती है अगेन, यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट दैट इज अ डिक्टेटर रूल वो आता है. दिस हाउ यहाँ पे एक के बाद एक रूल आया जा रहा था, इम्प्लीमेंट हुआ जा रहा था. एंड हाउ दे गेट रिपब्लिक एट द एंड, हाउ दिस रेवोल्यूशन चेंजेस द लाइफ ऑफ द पीपल, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंस और द कंक्लूजन ऑफ दीज रिवोल्ट्स एंड ऑल. एंड ये चैप्टर नंबर वन ये आपकी क्लास टेंथ में भी आएगा. दैट इज वाई इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना ज़रूरी है. सो ये फर्स्ट पार्ट था. मैं इस वीडियो को यही एंड करूँगी, एक नए वीडियो को शुरू करूँगी जिसमें मैं सोसाइटी को डिस्क्राइब करूँगी. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.